सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनी वीडियो। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनका डिपार्टमेंट नॉन आईटी है। सपोज आप अगर सीएससी, आईटी, ईसी आपका ब्रांच नहीं है, कोई और ब्रांच है लाइक सिविल हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो आपको अपना करियर कैसे आईटी में बनाना चाहिए। तो आज मेरे साथ एक काफ़ी खास व्यक्ति मौजूद है, गौरव जी मौजूद है। एंड इनका जो डिपार्टमेंट था वो इलेक्ट्रिकल था, लेकिन इन्होंने राइट नाउ अपना जो करियर है एक आईटी में बना रखा है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो नॉन आईटी से डिप्लोमा करते हैं। एंड वैसे वही बच्चे देखे जो सी एस सी आई टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हर एक डिटेल्स डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप लाइक थैंक यू सो मच कि आप आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंड ये वीडियो काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। तो लाइक कई सारे व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सके बच्चों को। थैंक यू सुमित, आपके चैनल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। होप ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव या प्रोडक्टिव हो जो कि नॉन आई टी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। सो मेरा नाम है गौरव कुमार और मैं एम सी के वी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुआ हूँ। 2017 से 2021 बैच का हूँ और मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन प्लैटिनम पीएमओ विथ 1.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि इनका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल था, बट फिर भी इनका जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर में था। लाइक फर्स्ट ईयर से ये कोडिंग वगैरह करते थे, एंड जैसे जैसे समय मतलब गुजरता गया उनको लगा कि मेरा जो करियर है वो आईटी फील्ड में ही बनना चाहिए। अब आप में से कई सारे बच्चे हो लाइक जिनका पहले से इंटेंशन रहता है कि मुझे तो ब्रांच तो मैंने ले लिया, पर फिर भी मेरा जो करियर है, मेरा जो फ्यूचर स्टडी है या फिर जो फ्यूचर स्कोप है, मुझे आईटी फील्ड में ही जाना है। वैसे आप में से जो व्यूअर्स कॉलेज स्टूडेंट हो लाइक जो बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो या कोई एक और बैचलर डिग्री कर रहे हो लाइक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, तो अब सभी कॉलेज बच्चों को पता है कि आजकल जो स्किल का रिक्वायरमेंट है कितना बढ़ चुका है। एंड मैक्सिमम जो स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं कि आप लोग ओल्ड स्किल को ही फॉलो किए जा रहे हो। तो देखो आजकल आपको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको न्यू स्किल के साथ एक्सटम होना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है आपको उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ही, लाइक सी हो गया, सी प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, लेकिन जो बाकी सब जो स्किल है आपको उस पर ही फोकस करना पड़ेगा। लाइक एग्जाम्पल तौर पर आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हो गया, तभी जाकर के आपको एक सिक्योर जॉब मिल पाएगा। एंड यही चीज़ को देखते हुए फिजिक्स लॉ ने लेकर क्या है पीडब्ल्यू स्किल्स, जहाँ पर बच्चों को एफोर्डेबल प्राइस में एक क्वालिटी स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे जिनके पास लैपटॉप थे लेकिन लैपटॉप काफ़ी आउटडेटेड है, लाइक आप i3 यूज़ कर रहे हो, आप पेंटियम यूज़ कर रहे हो, डुआलकोर यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो पीडब्ल्यू स्किल्स लैब का फीचर्स उठा सकते हो, जहाँ पर आप अपने लैपटॉप को, आप अपने सिस्टम को एक सुपर कंप्यूटर कन्वर्ट कर सकते हो। एंड जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि अराइज होता है कोई पैकेज को इंस्टॉल करने के वक्त, वो सभी कुछ आपका कन्फर्म सॉल्व हो ही जाएगा। एंड यहाँ पर कोर्स के साथ ही आपको लाइव प्रोजेक्ट एंड वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, क्योंकि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उस पर आप कितना काम क्यों, क्या क्या प्रोजेक्ट क्यों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जॉब पोर्टल का सेक्शन भी है, आप अगर कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, आप अगर प्रॉपर स्किल सीख ली हो, देन आप जॉब को अप्लाई कर सकते हो एंड फास्टली आप जॉब को प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ आपको बिल्कुल काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे होंगे, जैसे बाकी सब जो जगह है वहाँ पर 15 लाख, 1 लाख तक प्राइस होता है, लेकिन यहाँ पर आप ज्वाइन करते हैं पीडब्ल्यू स्किल्स में तो ये जो प्राइस है मात्र 3200 तक आपको मिल जाएगा। एंड ये जो ऑफर है 3200, ये बस 31 जनवरी तक है। एंड आप ये अगर कूपन को यूज करते हो तो ये प्राइस ₹500 और ऑफ मिलेगा, लाइक 2700 में ही आप ये जो भी कोर्सेस है जो पीडब्ल्यू स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको ले सकते हो। सो स्टार्ट लर्निंग दिस न्यू स्किल फ्रॉम टुडे ऑनली। तो गौरव आपको ऐसा कब लगा जब आपका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल था, देन आपको लगा कि मेरा इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आ रहा है, मुझे अपना जो करियर है वो आईटी फील्ड बनाना चाहिए, तो आपको ऐसे कब थॉट आया? एंड आपने फर्स्ट ईयर से ही क्या कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी क्या? मतलब एक्चुअली मुझे फर्स्ट ईयर से ही ये सेंस आ गया था कि मतलब मुझे कुछ आईटी फील्ड में ही कुछ काम करना है। तो ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस मुझे आईटी डिपार्टमेंट में नहीं ले पाया एक्चुअली। तो जैसे मैं कॉलेज में एंट्री किया, मैं एज अ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन हुआ। सो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर एक्चुअली चला गया, वो बाकी सब सब्जेक्ट जैसे बेसिक साइंस एंड ऑल इलेक्ट्रिकल के और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमारे एक सब्जेक्ट्स आते हैं कि सी प्रोग्रामिंग, तो वो सी प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैं स्टार्ट किया सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर से, टीचर थे एक्चुअली होप एम सी के वी के टीचर बहुत अच्छे ही होते हैं, तो वो टीचर बहुत अच्छे मुझे ट्रेन किए, पढ़ाए और इंटरेस्ट जगाए मुझे ये कोडिंग में। थोड़ा इंटरेस्ट और अच्छा से जागा तो एग्ज़ाम वगैरह दिया, ऑब्वियसली सी में अच्छे ग्रेड्स आए थे मुझे, वो इंटरेस्ट जगा के रखा रहा कि नहीं मुझे आईटी में ही जाना है। आपको एक प्रॉपर टाइम जब देते हो ना कोई चीज़ों में, तभी समझ में आता है कि मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट कहाँ पर बन रहा है। अब मान लीजिए आपका मन बस वो अट्रैक्शन है कि मुझे आईटी फील्ड में करियर बनाना है, एंड आप समय नहीं दे पा रहे हो आपका जो भी कोडिंग है, तो पहले समय दीजिए
एंड जैसे समय देते हो ना, तब वो चीज़ें समझ में आने लगती है कि हाँ जी मेरा ये इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एंड देन आपका फिर बाद में और वो बढ़ते रहता है, देन आपको लगता है कि हाँ, आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हाँ मुझे यहाँ पर ही जाना है। सो लाइक मैंने फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट किया एंड उस पर जितना हो सके अपने टाइम वेस्ट किया, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल भी था तो उस पर भी टाइम देना पड़ता था। तो लाइक सेकेंड ईयर से जर्नी कैसा मैं वो चुनना चाहूँगा। तो अब सेकेंड ईयर से क्या हुआ कि सेकेंड ईयर से एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया जावा, तो मैं फिर जावा में शिफ्ट किया। सी तो सीखा हुआ था, सी के जैसे कि बोला जाता है कि वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज होता है, बेसिक लैंग्वेज होता है। तो सी सीखने के बाद फिर मैं जावा पे आया, तो उतना डिफ़िकल्टी नहीं हुआ मुझे जितना कि ये सी जो नहीं सीखा है उन लोगों को जितना डिफ़िकल्टी होता है। तो मैं जल्दी ही कैचअप कर लिया हाँ, से सी जावा। बिल्डिंग ब्लॉक से वो तो सीखना ही पड़ेगा, हाँ पर वो बाकी बिल्डिंग, जावा और सी प्लस प्लस आप शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ जावा या सी प्लस प्लस और भी वगैरह लैंग्वेज होते हैं जो हैं, तो वो सब मैं शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं जावा सीखना स्टार्ट कर दिया, जावा में अच्छा इंटरेस्ट आया, कोडिंग किया, हो गया जावा कंप्लीट। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्चुअली चॉइस रहता है हम लोग को, हम लोग के नॉन आईटी डिपार्टमेंट वाले लोग जो होते हैं उन लोग के पास चॉइस दिया जाता है। एक आईटी के सब्जेक्ट्स रहते हैं और एक नॉन आईटी सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि जो मैकेनिकल के अगर होंगे तो मैकेनिकल का कोई एक सब्जेक्ट होगा, उसके साथ अगर आप आईटी सीखना चाहते हैं, कोडिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ये सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, आपके इंटरेस्ट के ऊपर ये नहीं, ये डिपेंड ऑप्शन होता है कब से दी जाती है, फर्स्ट ईयर से ही, या जैसे आपका सी था तो सी ऑप्शन सी तो कंपलसरी था। कंपलसरी था, सी सबके लिए कंपलसरी था। सेकेंड ईयर से जब आते हैं तब जाके आप लोग को ये ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप ये आईटी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट चुनिए या तो आप नॉन आईटी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट चुनिए, जैसे कि वो ये जो भी आप डिपार्टमेंट में हो उस डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। जैसे कि हम लोग के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आया था माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये नाम का एक सब्जेक्ट था। इसके साथ हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम चॉइस में दिया हुआ था, तो मैंने चॉइस किया था डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो जावा के बाद आया हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो मैं जावा ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीखना स्टार्ट किया। उस वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग था और थोड़ा चैलेंजिंग भी था, उसमें जैसे एल्गोज वगैरह आते हैं, स्टैक क्यू, लिंक्ड लिस्ट, उसके टाइप्स वगैरह, वेरिएंट्स वगैरह, तो ये सब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया, एक्चुअली हम लोग तो उस बैच के थे जो 21 बैच के थे, तो लॉकडाउन आ गया था 2019 से ही, आई होप लॉकडाउन आया बीस था। में आया तो था। हाँ, तो फोर्थ ईयर, जब मैं फोर्थ ईयर में आया तो फोर्थ ईयर में एक सब्जेक्ट हम लोग को चॉइस में दिया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल के एक सब्जेक्ट था, तो मैंने वो सब्जेक्ट चॉइस किया। अब एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन का टाइम था, तो रियल ये टू बी ऑनेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ध्यान पढ़ा था लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली, मैं बस पास होने लायक में पढ़ लिया था बस। तो ये था मेरा कॉलेज का मतलब आईटी सेक्टर में मूव करने का जर्नी था। अब नेक्स्ट मेरा आता है कि कॉलेज के बाद मैंने क्या किया कि मुझे आईटी जॉब मिल सके, क्योंकि ये कॉलेज में तो कोई ये कोर डिपार्टमेंट में थे, तो कोर का डिपार्टमेंट का कंपनी वगैरह आते थे, तो जी जैसे कि जी हो गया, जेनपैक्ट हो गया, ये सब वगैरह आते, तो मुझे वो सब ये प्लेसमेंट में बैठना नहीं था, तो मुझे आईटी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठना था। और भी जैसे कैप जमनी हो गया, टीसीएस हो गया, वो वगैरह में मैं जैसे थोड़ा बहुत रिजेक्शन आया कुछ में, मैं थोड़ा एक्चुअली रिजेक्शन आया था, किसी में मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो रहा था, किसी में इंटरव्यू में डायरेक्ट जाकर रिजेक्ट हो रहा था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैं क्या किया कि नहीं ऐसे तो क्रैक होने से रहा, तो मैंने अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया। और वो प्रोजेक्ट बनाने से पहले मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स मैं डिसाइड किया कि ऐसे तो सिलेक्शन होने से रहा, कुछ ना कुछ तो अपन को करना पड़ेगा, तरकीब लगाना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने ये बहुत रिसर्च किया इंटरनेट वगैरह में, मैंने सोचा चलो वेब डेवलपमेंट सीखता हूँ, ये आईटी से रिलेटेड है। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद कॉलेज कंप्लीट होने के बाद एक्चुअली बोल नहीं सकते कॉलेज कंप्लीट, मैं उस टाइम सेवन सेमेस्टर में था, सेवन सेमेस्टर से ही तो प्लेसमेंट सीजन चल रहे थे उस टाइम, तो वही मैंने एक अपना छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया वेब डेवलपमेंट के ऊपर,
मैंने सीखा HTML, सीखा CSS, सीखा JavaScript, सीखा। उसके बाद मैंने उसके ऊपर प्रोजेक्ट किया। फिर ये प्रोजेक्ट करने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, इस चीज़ में मुझे नॉलेज है, डोमेन है। वैसे कॉलेज में तो सी जावा तो मैं सीखा ही हुआ था, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत इंटरव्यू तो दे ही रहा था मैं, एक जवाब दे पा रहा था। तो फिर आता है जब कॉलेज कंप्लीट हुआ, कॉलेज जब कंप्लीट हुआ मेरा, तो आई वॉज़ लाइक सब फ्रेंड्स का हो गया है, मेरा नहीं हो पा रहा है, बहुत टेंस हो रहा था मैं, क्या होगा नहीं होगा, मेरा नॉन हेटी बैकग्राउंड है। तो फिर मैंने एक ये स्टार्टअप कंपनी से चॉइस किया। मैं लिंक्डइन वगैरह बहुत चलाता था उस टाइम, कंपनी से सर्च करता था ये कौन सा कंपनी का ओपनिंग खुला है, ये वो। तो MNC वगैरह मैं छोड़ दिया, मैं सोचा कि स्टार्ट करता हूँ, तो क्यों ना लोअर लेवल से स्टार्टअप से स्टार्ट करूँ, छोटा कंपनी से स्टार्ट करूँ। तो मैं एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, हो गया। एक्चुअली मैं वो कंपनी में इंटर्नशिप किया, मैं इंटर्नशिप किया। मेरा कॉलेज जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसका 1 महीना बाद ही मुझे इंटर्नशिप मिल गया एक कंपनी में। मैं अप्लाई किया था तो इंटर्नशिप मिल गया मुझे। मैं इंटर्नशिप किया, इंटर्नशिप करने के बाद आया 6 मंथ का इंटर्नशिप, तो मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया दूसरे कंपनी में, तो मैं 6 मंथ्स वहाँ इंटर्नशिप में काम किया। उसके बाद मुझे कोई जाके मुझे बताया कि सेल्सफोर्स नाम का कुछ चीज़ होता है, तो ये मैं रिसर्च किया क्या है ये सेल्सफोर्स, ये तो कुछ नया चीज़ लग रहा है। तो मैं देखा कि हाँ, इस पे तो ये स्कोप बहुत ज़्यादा है सेल्सफोर्स वगैरह। तो ये मैं इस पे रिसर्च किया, पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, इसका इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह प्रिपेयर किया। तो एक कंपनी है जो सेल्सफोर्स पे काम करती है, वो भी स्टार्टअप ही था एक्चुअली, तो अभी एक्चुअली MNC वगैरह भी काम करती है। तो मैंने अभी स्टार्टअप से ही स्टार्ट किया, वो सेल्सफोर्स से काम करती है। मैं इंटरव्यू दिया, वो भी क्रैक हो गया मेरा इंटरव्यू। तो फिर मैं एक्चुअली 2022 के 1 फरवरी से मैं स्टार्ट किया अपना, तो वहाँ से मेरा जॉब लाइफ स्टार्ट होता है आफ्टर इंटर्नशिप। तो ये था जर्नी। तो काफ़ी ब्रीफ जर्नी था, ठीक है। सभी बच्चों को लाइक इनसे इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब लगता है कि लाइक अब नहीं होने वाला, लाइक इनका प्लेसमेंट कभी, लाइक उन्होंने जब चर्चा किया कि जब 7th सेमेस्टर में था एंड बाकी जो फ्रेंड थे उनका प्लेसमेंट हो गया था, तो लाइक लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। एंड देन उनका बाद का जो जर्नी वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। लाइक इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया, लाइक आपका HTML हो गया, CSS हो गया, JavaScript हो गया, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए। अब ऑब्वियसली आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो शो करो किसी पर, जैसे इन्होंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया तो लाइक इन्होंने शो किया होगा, देन वहाँ पर उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली, देन उसके बाद आगे बढ़ के सेल्सफोर्स डेवलपर के से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप स्टार्टअप में अभी तक काम कर रहे हैं, ठीक है, MNC आपसे कोई रिलेटेड नहीं है, तो कितना डिफरेंस है एक्चुअली MNC ने स्टार्टअप में, एंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर सीखने को मिलता है बच्चों को, एंड स्टेबल कौन सा है एक्चुअली अगर देखा जाए तो? मेरे ख्याल से एक्चुअली देखो, स्टार्टअप और MNC में डिफरेंस तो यही होता है कि थोड़ा एम्प्लॉयज़ का डिफरेंस होता है कि स्टार्टअप में एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली कम होते हैं, MNC में एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं एम्प्लॉयज़। तो डिफरेंस ये होता है कि देखो कि स्टार्टअप में क्या होता है कि तुम लाइव प्रोजेक्ट के साथ ही तुम काम भी करते हो और सीखते भी हो। और MNC में क्या होता है कि पहले तुम्हें अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है, टाइम लेके उन लोग को 1 महीना का ट्रेनिंग ऐसे वगैरह दिया जाता है। उसके बाद जब कंपनी वगैरह में प्रोजेक्ट्स रहता है, तो तुम्हें कॉल आता है मैनेजर का कि ये डोमेन में प्रोजेक्ट्स है, तो इस पर आप काम करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन स्टार्टअप में क्या होता है कि ऑलरेडी पहले से प्रोजेक्ट चल रहा होता है, अब और आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट में ही ढुकाते हैं, लाइव प्रोजेक्ट में ही ढुकाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप में उतना उन लोगों के पास टाइम नहीं रहता कि अलग से आपको 1 महीना का टाइम इन्वेस्ट करें। आप क्या होता है कि यू लर्न वाइल वर्किंग इन स्टार्टअप। और MNC का सिनेरियो थोड़ा अलग हो जाता है कि आपको अलग से ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करते हैं अपना वर्क लाइफ या जॉब लाइफ, ऐसा होता है। और MNC में भी एक्चुअली ऑनगोइंग चल रहा और रहता है, लेकिन उन लोग सीनियर लोग वो हैंडल कर रहे होते हैं, फ्रेशर लोग को इतना जल्दी हैंडल करने नहीं देते, उन लोग को छोटा छोटा काम से स्टार्ट करवाते हैं। और स्टार्टअप में है कि तुम्हें पूरा पूरी इन्वॉल्व कर लिया जाता है वो प्रोजेक्ट में। जैसे आप तो नॉन एटी से बिलोंग करते हो, तो आपके साथ भी कई से जो बैचमेट थे, तो उनका लाइक जब इंटरव्यू हुआ था एंड जो IT कंपनी के लिए अप्लाई किए थे, तो रिजेक्शन मेनली किस कारण की वजह से हो जाया करता था? हाँ, तो मेरे साथ जो हुआ था मैं वो आपको शेयर करता हूँ कि जैसे कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ,
इंटरव्यू ठीक ठाक गया, फिर भी इंटरव्यूअर के माइंड में थोड़ा बहुत खलकता है कि वो मतलब ये बंदा कैच नहीं कर पाएगा या ऐसा कुछ उन लोग के माइंड में रहता है। कि जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट्स रहते हैं कुछ कुछ, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ओएस, तो ये सब सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं ये सब में हम लोग थोड़ा लैग कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट्स हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है और ना ही ये सब सब्जेक्ट्स हम लोग को ऑप्शनल में आता है। तो थोड़ा बहुत इस वजह से इंटरव्यूअर का मन में डाउट सा रहता है एक्चुअली। उन लोग भी नहीं चाहते कि रिजेक्ट करे ये बंदे को, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट सा बन जाता है, एक बनता है कि इन लोग ये कोप अप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हाँ, तो ये रीज़न है एक इंटरव्यू में थोड़ा रिजेक्शन का एक दुकान। एक फाइनल क्वेश्चन है आपसे, लाइक जो बच्चे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उनका डिपार्टमेंट नॉन आईटीज है, तो उन सबसे मेन क्या पॉइंट है जो कि उनको अभी से लाइक फॉलो करना चाहिए? हाँ, जैसे कि अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो आप प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ आप वो प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हैं अपना। आप अपना एक्चुअली प्रोजेक्ट ही नहीं बना रहे, आप अपना एक सीवी भी बिल्ड कर रहे हैं अच्छा सा। तो प्रोजेक्ट बनाइए, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह है वो अटेम्प्ट कीजिए, ऑनलाइन इंटर्नशिप वगैरह भी होता है कुछ कुछ, अनपेड वगैरह इंटर्नशिप होता है, तो वो सब भी क्लियर कीजिए अभी, भले पैसा ना मिले। लेकिन ये सब करने से क्या होता है, एक फ़ायदा होता है कि आपका सीवी बिल्ड हो रहा है, मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग सीवी बिल्ड कर रहे हैं और वो इम्प्रेस करता है इंटरव्यूअर को जब आपका वो सीवी चेक करता है। तो सो आई होप आपके वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा है तो आपके जो भी फ्रेंड है जो कि नॉन आई टी डिपार्टमेंट बिलोंग करते हैं, या जो भी आपका CSE ITC फ्रेंड में शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर मैंने फिर कुछ प्रश्न है, छोटा डाउट है या बड़ा डाउट है, तो आप जब चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका इंस्टा आई डी मौजूद है, तो आप फ्रीली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।